नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, तीसरी बार सांसद बनकर के आए हैं उनके कार्यालय पर। और देखिए, मुख्य अहम कड़ी जो जिताने में अहम योगदान रखते हैं, उद्योगपतियों के प्रधान, हिंदी में देहाती में कहूँ, IMT एसोसिएशन फरीदाबाद के प्रधान है प्रमोद राणा साहब। इन्होंने एक भव्य कार्यक्रम किया, 8 से 10 हज़ार लोगों की एक रैली भी करवाई थी चुनाव के दौरान। सर, आपसे एक सवाल, जीत हुई है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, ये उद्योगपतियों की जीत है, हमारे साथियों की जीत है, जो हमारे साथ कर्मचारी हैं उनकी जीत है, क्योंकि ये हमने सबने मिलके इसमें प्रयास किए हैं और उसका नतीजा ये है कि आज हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी बहुत भारी बहुमत से जीत हासिल की है उन्होंने। अब आप प्रमुख समस्याएं या प्रमुख बातें कौन सी रखेंगे, आपने बताइए। प्रमुख बातें तो हमारे लिए तो IMT का विकास ही सबसे मेन मुद्दा है, पहले भी रखते आए, और जितना इंडस्ट्री को परेशानी ना हो, जो भी कानून बनाए जाएं वो सरल बनाए जाएं और उनका, ताकि हम आसानी से पालन कर सकें। आप मजदूरों के भी नेता हैं, उद्योगपतियों के भी नेता हैं, और सबसे ज़्यादा जो फरीदाबाद या पूरा हरियाणा को टैक्स देने का काम करता है उसमें से भी आप लोग हैं। आप लोग एक तरीके से राम सेतु का काम करते हैं सरकार के बीच में, उद्योगों के बीच में, मजदूरों के बीच में। क्या चाहते हैं आने वाले को, ये काम अगर आपसे पूछे, अब तो आपका नेता भी बनकर के आपके लिए आ गया। एक काम हम यही है कि आज की डेट में हम क्या है कि IMT HSIDC के अंदर आता है IMT, और उसमें हम डबल टैक्स की मार झेल रहे हैं। हम MCF को भी टैक्स दे रहे हैं और HSIDC में भी मेंटेनेंस चार्जेस दे रहे हैं। तो मेरा पहले मांग यही होगी माननीय मंत्री जी से कि हमें MCF के टैक्स से छुटकारा दिलाए जाए। किस रूप में मंत्री को देखना चाहते हैं आने वाले समय में? हम कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं मंत्री जी को, और अपना ही डिपार्टमेंट चाहते हैं जो पहले भी उनके पास था, हैवी इंडस्ट्री और बिजली। राणा साहब, एक सवाल और, कहीं आपके लिए तो राजनीतिक इच्छा नहीं है कि आपने 8-10 हज़ार लोगों को इकट्ठा कर दिया चुनाव के बीच में और मंत्री जी गदगद नजर आए उस समय? नहीं, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, मैंने तो अपना उद्योग करना है और उद्योगपतियों का सहयोग करना है। चलिए, आप भी एक लाइन कुछ शुभकामना संदेश देंगे। नमस्कार जी, मैं एडवोकेट दीपक नागर, मैं अपने फरीदाबाद क्षेत्र की सभी को बहुत बहुत जनता को बधाई देता हूँ। माननीय मंत्री जी 1,80,000 वोटों के समथिंग जीते हैं, और आने वाले हम उम्मीद करते हैं मंत्री जी से कि आने वाले समय में वो हमारे फरीदाबाद क्षेत्र को चार चांद लगाएं, जिससे कि हमारा फरीदाबाद क्षेत्र अव्वल आए।